अस्सलामुअलैकुम, देखने वाले तमाम अहबाब को एक बार फिर वेलकम कहते हैं सलमान अब्बासी के साथ एक नए व्लॉग में। और आज हम दुबई की एक बड़ी फेमस जगह पर मौजूद हैं। कौन सी जगह हो सकती है, आप मेरे बैकग्राउंड में, मेरे एकब में देख सकते हैं। ये बिल्डिंग्स आप देख सकते हैं। इस जगह का आपने नाम बहुत सुना होगा, देखी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन आज इस जगह का मैं व्यू आपको कराता चलूं कि ये जो जगह है इसे देखिए। ये क्योंकि इस अंधेरे में ज़्यादा रात का पहर है तो आपको ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन दिन के टाइम अगर आप यहाँ पर आएंगे तो ये तमाम तर जगह जो है आपको बिल्कुल फिल नज़र आएगी। और हम इस वक्त मौजूद हैं जुमेरा बीच पर, जहाँ पर इस वक्त भी बहुत सारी आवाम जो है इस जगह को एंजॉय कर रही है। और हमारा भी पहला व्लॉग भी है और यहाँ पर पहला विजिट भी है। और देखकर कराची के सी व्यू को आपने देखा होगा, क्लिफ्टन देखा होगा, लेकिन ये बीच देखकर यकीन करें आप वो जगह भूल जाएंगे। और यहाँ के जो लवाजमात हैं, यहाँ की जो माहौल है, वो एक अलग क्वेश्चन भी है और एक अलग जो है वो सवाल भी है। लेकिन मेरे साथ इस वक्त फरहान भाई भी मौजूद हैं और साथ आगे मज़ीद जो शख्सियात मौजूद हैं उनका भी दीदार आपको कराता चलूं, और साथ ही साथ इस जगह का व्यू भी साथ साथ आपको कराता चलूं। जैसे जैसे हमारा सफ़र चल रहा है आपको भी दिखाते जा रहे हैं। रमाजर के साथ है मेरे, शायद ज़ुबान से अल्फाज गलत निकल गए, जो मेरा नहीं है बल्कि ये मेरीना जो है बीच है। और क्योंकि अभी दुबई में आए कुछ दिन ही गुजरे हैं तो ज़्यादा जगहों से ज़ुबान पर जो है जगहों के नाम चढ़ना थोड़ा मुश्किल ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन वक्त चलता रहेगा, व्लॉग बढ़ते रहेंगे, उसके साथ साथ जगहें बढ़ती रहेंगी, तो फिर इन अल्फाज का, इन जगहों के बारे में जो आगाही है वो भी इंशाल्लाह बेहतर होती जाएगी। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती हैं कि हम जो है वो गाय बगाय गलती कर सकते हैं। इंसान है, इंसान जो है वो ख़ताओं का पुतला रहता है। और साथ ही साथ इसका मैं बैकग्राउंड आपको एक बार फिर इसका दीदार कराता चलूँ। ये बिल्डिंग्स के दरमियान में ये आप बिल्डिंग्स देख सकते हैं। पहले आपको मैं बिल्डिंग्स का व्यू कराता चलूँ, इसके इर्द गिर्द ये बिल्डिंग्स हैं। और साथ ही साथ थोड़ी देर के बाद मैं आपको इन बिल्डिंग के नीचे जो मुख्तलिफ किस्म के गेम होते हैं उनका भी दीदार कराता चलूँगा कि वो कौन कौन से गेम यहाँ खेले जाते हैं, जो बच्चों के लिए भी बड़ी अच्छी जगह है। एक लिहाज से अगर कहा जाए कि ये जगह पिकनिक पॉइंट के तौर पर यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है या पिकनिक पॉइंट समझा जाता है तो गलत नहीं होगा। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको पूरी दुनिया से जो है कुछ लोग यहाँ पर, टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर वीकेंड पर आपको नज़र आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं मेरे अकब में जो इस वक्त इंजॉय कर रहे हैं ये माहौल, ये जगह, इस जगह का व्यू। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो मेरे अकब में बिल्डिंग मौजूद है, ये जो बिल्डिंग का मैं आपको दीदार करा रहा हूँ, इसके टॉप पर एक स्विमिंग पूल है जो बड़ी फेमस जगह है, ये मरीना के मुकाम पर। अच्छा जी, हमारे साथ है एक तो ये भाई मौजूद हैं, इनको तो आपने देख ही लिया, बेचारे थोड़े शर्मा भी रहे हैं, लेकिन खैर है, इनकी उम्र है हमारी गुजर चुकी है। और साथ ही साथ शेख भाई भी मौजूद हैं, अली भाई भी मौजूद हैं। ये सिंध का शहजादा, धरती सिंध से ताल्लुक है इनका, ये भी यहाँ पर मौजूद है। बड़ी नहरें इन्होंने देखी हैं, बड़े समंदर देखे हैं, आज दुबई का विजिट कर रहे हैं। 10 दिन तक ये अपने कैंप में रहे, कैसा लग रहा है वैसे यहाँ पे, कैसा लग रहा है? ये जबरदस्त लग रहा है। ओके, ओके। तो साकरो अच्छा है या ये जगह अच्छी है? ये अच्छा है, कराची अच्छा है या ये अच्छा है? ये अच्छा है। पाकिस्तान अच्छा है या ये अच्छा है? ये अच्छा है भाई, ये सब ये कह रहे हैं ये सब अच्छा है, जो इतना नजर आ रहा है आपको शायद नहीं नजर आ रहा होगा, वो सब इनको अच्छा लग रहा है। और ये यहाँ का गेमिंग जोन है, यहाँ पर आपको मुख्तलिफ गेम्स खेलने को मिलेगी, बच्चों के लिए एक अच्छा तफरी मुकाम है ये, आप देख सकते हैं। नो नो, वन मोर, वंस मोर,
Yes, so much. One to go. Credit. This is the gift. Only one. तमाम लम्हात जो है आपने मरीना बीच के सराउंडिंग में देखे और यहाँ पर एक अच्छा व्यू आप देख सकते हैं, आपकी नज़र हुआ होगा यकीनन। हमने देखा, हमने एंजॉय किया, लेकिन आपने भी किया होगा। और यकीनन अगर आप यूएई में मौजूद हैं तो यकीन एक दफ़ा आपकी कोशिश ज़रूर होगी कि यहाँ पर आएँ, जहाँ पर मुख्तलिफ गेम्स आपने देखे और इसी तरह यहाँ पर फैमिलीज आती हैं और इंजॉय करती हैं, अपने बच्चों के साथ है। और कुछ लोग हमारी तरह भी आते हैं जो घूमते फिरते हैं साल में 6 महीने में, 3 महीने में, 2 महीनों में, या 1 महीनों में एक दिन अपने आप के लिए निकालते हैं और ऐसी जगहों पर विजिट करते हैं और अपनी फ्रस्ट्रेशन अपने काम में से जो है अपने काम के दौरान जो थकावट वगैरह होती है और यहाँ पर आके फ्रेश एयर के अंदर बैठते हैं और ठंडी हवा में और ये मनासिब देखते हैं, इर्द गिर्द का माहौल देखते हैं और इन्जॉय करते हैं और अपने मेंटेलिटी अपनी माइंड को जो है फ्रेश करते हैं। और परदेश में जो जो यहाँ पर यूएई में सहूलियात मैसर हैं, गायब गायब वक्त गुजरते साथ साथ इंशाल्लाह उनकी आपको आगाही देते जाएंगे। अगले नए व्लॉग में एक बार फिर आपको वेलकम करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर और अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।